बुद्धाचं विहार, पंढरपूर बुद्धाचं विहार, अमरावती मध्ये अंबादेवी बुद्धाचं विहार, अशा मोठ्या मोठ्या मंदिरावर इथे अमरवादी लोकांनी कब्जा केला, त्या ठिकाणी अंधश्रद्धा पसरवली. म्हणून म्हणतोय जितने बैठे सारे जय भीम वाले हैं.
क्योंकि ये विजयवाड़ा का हमें जय भी वही था भाई अंगूर दे करा आगे पर क्या कह रहे बोलिए ये हमारे ये बुद्ध गौतम क्या कहने कागा सुना तुम्ही मना ना पावन तक क्या रखी नहीं तुम्हारे घर तो बल्ले बोलता तुम्ही लाल बोलता घर ऐसा सुना था काया वागा सर के टक्कर ली बनी था भैया बोलिए ये हमारे ये बुद्ध गौतम का सुरात 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 ये काकरी सुरात मना भक्त ये हमारे ये बुद्ध गौतम का ऐसी लाइन दे रहा हूँ जिंदगी सवर जाएगी क्यों क्योंकि जब मुकदमा वो बाबरी अयोध्या का चला मनु से कह देना अगर मिला कर मनु से इतना कह देना अगर मिला कभी हमारे हौसलों का पहाड़ ना हिला कभी कभी के खुशी से गए लगाएंगे मनोज राजा मौत को लेकिन झुकने ना देंगे परचम मिला कभी इस भारत को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं कौन है तो उनके लिए चार लाइन दे रहा हूँ कि जो है भारत में है क्या हिंदुस्तान में कहाँ से लाते हैं हिंदुस्तान क्या कहने काका माता बाप कहाँ से लाते और प्रणय मजा आएगा सिर्फ ईमान में हाँ जो कागजों पर अक्सर अंगूठे लगा रहे हैं अबे वो भी कमियां ढूंढ रहे हैं भारत के संविधान में भारत के संविधान में कि है चांद सूरज जब तक ताबीदार रहेंगे इसकी लोग क्या कहते हैं उसका है चांद सूरज जब तक ताबीदार रहेंगे तब तक ये मनवादी शर्मिंदा रहेंगे लेकिन मनोज राजा इतना ध्यान में रख लो अबे संविधान रहेगा तो हम है चांद सूरज जब तक ताबीदार रहेंगे और तब तक ये मनवादी शर्मिंदा रहेंगे रहेंगे लेकिन मनोज राजा इतना ध्यान में रख लो संविधान रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे क्योंकि सबकी है सबकी मर्जी जिंदाबाद कहाँ से लाते सबकी है सबकी मर्जी जिंदाबाद तेरी मेरी हमदर्दी जिंदाबाद के मनोज राजा सारा जमाना कहता है
आ जाना, लेकिन दिया राम जी के हक में अदालत ने फैसला। जब मुकदमा वो बाबरी अयोध्या का चला, दिया राम के हक में अदालत ने फैसला, लेकिन ना राम का सबूत ना किसी और का सबूत। इतना पावर इन लोगों में है क्योंकि क्यों आरएसएस का आंदोलन भक्ति की बात करता है। आरएसएस का आंदोलन भक्ति की बात करता है। कुलभी पटेल मराठा शक्ति की बात करता है, करता है कि मनोज राजा अपने दिल की नहीं दिमाग की सुन। अबे बाबा साहब का संविधान मुक्ति की बात करता है। रुकने वाला नहीं हूँ। चले जाओ दादा। दस दिन तीन दिन दहा दिवस बकरी सर्ग जीवन जगले पेक्षा एक दिवस बाघा सर्ग जीवन जगल पाएगा। कुछ भी हो जाए लेकिन जो इतिहास है वो रुकना ही, क्योंकि कि संविधान जय भीम के नाम से मनुवादियों के मुंह पर लग गया है ताला। जय भीम के नाम से मनुवादियों के मुंह पर लग गया है ताला और हर तरफ छा गया है ये जय भीम वाला वाला। अबे नरेंद्र मोदी, तुम्हें जितने जुल्म करना है कर लो सागर, लेकिन ये बाबा साहब का बच्चा है, झुकेगा नहीं साला। आता पहिले सारखं माई कुणी होत नाही। सदोतीस वर्षाचं वय झालं अगम साहेब, मोठी गोष्ट नाही त्याची। 5-6 वर्षात एकदम मतार सुन नाही, आताच तर 25 लोक मी आला गेलो असा काय कशी ते कुणी सांगणार खरं। बहुत काम दिखाना है मला। दोन पोरगी आहे, पहिली पोरगी झाली दुसरी पोरगी आहे। आता बंद आहे त्याचं शिक्षण, क्योंकि सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया। काही नाही उस्ताद, सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया और प्रणय सतलज मैंने पूछा तब लिख दिया। मैंने पूछा उसे कि भारत का बाप कौन है, तो मेरे बेटी ने कागज पर बाबा साहब लिख दिया। लिख दिया कि ना हमारा शाम ना हमारा वो है।
ऐसे लाते उस्ताद कि ना हमारा शाम ना हमारा वो है, ना हमारा शाम ना हमारा वो है, और भारत में ना हमारा शाम ना हमारा वो है, धर्म के नाम पर धर्म के नाम की झगड़ों में हमारा क्या काम है। अभी आई बेईमानो, आई बेईमानो, अगर ये तुम्हारा हिंदुस्तान है तो इसी हिंदुस्तान का 7-12 सम्राट अशोक के नाम है। मुकदमा साजिश करके चोटी वाले चल बुलबुले साजिश कैसे कर ली, साजिश कैसे की मनोहर काका, अरे मनोहर काका टोपी वाले साजिश करके चोटी वाले चल बुलबुले था बुद्ध पर बालाजी बना दिया पंडो ने। साजिश करके चोटी वाले चल पंडो ने था बुद्ध पर बालाजी बना दिया पंडो ने। विठल पंडरपुर विठल 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 भी इस तरह से सदियों से कह रहा पहले किराया बढ़ाया रेल का, बाद में भाव चढ़ाया तेल का। इसी तरह जमाने पे सितम ढाने वाले हो, अरे गरीब के तो यार खाने के लाले हैं। प्लीज मोदी साहब अब तो बता दो यार, अच्छे दिन कमाने वाले हैं। क्या काटो पर चल
चलकर आगे बढ़ना पड़ता है। कहाँ से लाते? ऐसी चार लाइन दे रहा हूँ कि जिंदगी सवर जाएगी। यहाँ कांटों पर चलकर आगे बढ़ना पड़ता है और बदनामी आग में जलना पड़ता है। झूठ बेनकाब, झूठ बेनकाब हो के सच आता सामने। बेनकाब हो कि सच आता सामने। क्या क्या विठल्ले पाला चीने और देखा राम ने। झूठ बेनकाब हो कि सच आता है सामने। विठल्ले पाला चीने और देखा राम ने। मूर्तीवर हळदीचं पाणी टाकलं, पूर्ण ती बुद्धाची मूर्ती दिसली। कितना भी छुपा मनवादी झूठ चाहे जितना गिर के कहे। मनवादी झूठ चाहे जितना गिर के कहे। नीलेश धरती फिर भी सीला गिर के कहे। ये हमारे बुद्ध गौतम का सागर मोसा भी इन्होंने ये चार लाइन लिखी। दादा इन्होंने लिखा है के जेव्हा या भारतातून विदेशामध्ये लोक जातात, आता युपीचे सीएम योगी आदित्यनाथ ज्यावेळेस विदेशामध्ये गेले होते फॉरेनमध्ये गेल्यानंतर त्यांना सांगावं लागलं की मी बुद्धाच्या धर्म। सागर गोसावी लिखते हैं, लंडन बोले जापान बोले अमेरिका का प्रधान भी बोले। पूरे देश की सरकार बोले। लंडन बोले, जापान बोले, अमेरिका का प्रधान भी बोले। ये पूरे देश की सरकार बोले। क्या बोले? क्या काका? भीम जी का संविधान सबसे प्यारा।